जिस तरह से कल लाठी बरसा करके लोकतंत्र का गला घोटा गया, बिना किसी वजह का जो पैदल चल रहे थे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उन पर लाठी बरसाया गया, सांसदों को पीटा गया, विधायकों को पीटा गया और एक एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी का जनाधार खिसक गया है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये भाजपा कार्यकर्ताओं को देखना नहीं चाहते हैं, पीट पीट करके हत्या करना चाहते हैं। कोई मिर्चा तिरचा का बुकनी नहीं ले गया है, ये काला दिन के रूप में मनाएंगे कि किसी को नहीं बख्शा गया, सबको पीटा गया, सांसद को, विधायक को, कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? ये अन्यायी सरकार है, अंधी सरकार है, गुंगी सरकार है, बहरी सरकार है। जो भी लोग थे उन पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई की मांग करते हैं। संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, आज 5वां दिन है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू। बबलू जी, जिस तरह से कल लाठियां बरसाई गई थी डाकबंगला चौराहे पर नेता प्रतिपक्ष के और एक जो कार्यकर्ता, उनको मौत हो गई थी। देखिए, जिस तरह से कल लाठी बरसा करके लोकतंत्र का गला घोटा गया, बिना किसी वजह का जो पैदल चल रहे थे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, उन पर लाठी बरसाया गया, सांसदों को पीटा गया, विधायकों को पीटा गया और एक एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी का जनाधार खिसक गया है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये भाजपा कार्यकर्ताओं को देखना नहीं चाहते हैं, पीट पीट करके हत्या करना चाहते हैं, पीट करके हत्या करा दिया गया है। इसको लेकर के सदन से सड़क तक संघर्ष जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि जब टीचर के लेकर के मुद्दे उठे थे तो 11 तारीख को सब बात ही हो गई थी, तो फिर क्यों गया, तो अपना दिखावा। देखिए, कहे कोई बात नहीं हुई टीचर को लेकर के, किसान सलाहकार को लेकर के, और जो 10 लाख नौकरी का वादा था, इसको इसके वजह से ये तमाम संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये डिमांड पूरा पूरा नहीं हो जाएगा। 10 लाख नौकरी का वादा किए थे। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को भी दौड़ाकर पीटा गया था, कहा जा रहा है कि आप लोग मिर्चा का बुकनी, कोई मिर्चा तिरचा का बुकनी नहीं ले गया है, ये काला दिन के रूप में मनाएंगे कि किसी को नहीं बख्शा गया, सबको पीटा गया, सांसद को, विधायक को, कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? ये अन्यायी सरकार है, अंधी सरकार है, गुंगी सरकार है, बहरी सरकार है। वहाँ पे जो अधिकारी थे, जो मजिस्ट्रेट तैनात थे, उन पर कार्रवाई होगी? जो भी लोग थे उन पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई की मांग करते हैं। संघर्ष जारी रहेगा। तो नीरज कुमार बबलू ने साफ तौर पर कह दिया है कि संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे में अगर जो वहाँ पे तैनात थे जितने भी मजिस्ट्रेट, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे की जो है राजनीतिक हम लोग करते ही रहेंगे, लेकिन आगे की कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते हुए भी हम लोग जो न्याय का जो मंदिर माना जा रहा है विधानसभा, उसको में भी हम लोग आवाज़ सड़क से सदन तक आवाज़ उठाएंगे। लेकिन साफ तौर पर कह दिया है कि हम इनको कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।